प्रीत्यते यनाय परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज पंडित श्री आनंद जी शर्मा आदरणीय भागवत साहब आदरणीय पंडित जी मंच सम्मानित पूरा मंच और उपस्थित सभी आए हुए बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के भारी विद्वान विद्वतगण मैं आपको बताया आज जो जैसा कि आपको मालूम है आज जन्माष्टमी का भी और मधुसूदन जी ओझा का भी दोनों की जन्माष्टमी है जैसे कि अभी आप बता रहे सुन रहे थे तो इतना शुभ दिन है इतना पवित्र दिन है तो ये बताना चाहती हूँ सृष्टि के आदि में परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया था जिससे हम किम कर्तव्य विमूर्ण हो जाए हमें क्या करना है हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो आध्यात्मिक जीवन कैसा हो धार्मिक जीवन कैसा हो राजनीतिक जीवन कैसा हो सारा ज्ञान सर्व ज्ञानमयो ही से सारा ज्ञान उसमें निखिल ज्ञान का भंडार वेद है वेद सर्व ज्ञानमयो ही से सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार है जो सृष्टि के आदि में अग्नि ऋग्वेदो वायु यजुर्वेद सूर्या सामवेद अथर्व अंगिरस चारों के वेद हृदयों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद का वो किया अंतःकरण में प्रकाश किया तो वेद के अंदर एक एक चीज़ भरी हुई आप किसी भी चीज़ में लीजिए सबसे पहला वेद का मंत्र है वेद की जो मेन मुख्य बात बताइए मनोभव हे मनुष्य सच्चे अर्थों में तुम मानव बनो मानव किसको कहते हैं मत्वा कर्माणि सीवेति इति मनुष्य जो सोच समझ करके कार्य करता है और मनुष्य उसको कहते हैं जो अपने सुख दुख के समान दूसरों की सुख दुख की कल्पना करता है वो मनुष्य है हमारे वेद के अंदर तो यहाँ तक आए हे मनुष्य तुम एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है तो इसी प्रकार मनुष्य धर्म के बारे में बताया ऐसे हमारे पारिवारिक जीवन के बताया समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानी नौके घर के दो दंपति तुम दोनों के हृदय ऐसे मिल जाएं जैसे दो जल आपस में मिल जाते हैं जल को कोई अलग नहीं कर सकता दूध में दूध और पानी को तो हंस पक्षी अलग कर देता है बालू में यदि वो चीनी मिली तो चींटी अलग कर देती है लेकिन दो जलों को अलग नहीं कर सकता तो घर के जो दो दंपति दोनों के विचारों में इतनी एकता होनी चाहिए इसी तरह हमारे उस शिक्षा के बारे में कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमारे पंडित जी आनंद जी फरमाते विद्या माँ विद्याम यस तद वेदो भय गुम स अविद्या है मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम अष्टमी विद्या के द्वारा हम अमर तत्व की प्राप्ति करें अविद्या के द्वारा हम सारे भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करें दोनों का समन्वय होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर तो इस प्रकार वेदों के अंदर सारा ही जीवन हमारा बताया गया एक से एक बड़ा आर्थिक जीवन के विषय में ये बताया है कि हे मनुष्य अग्नि ना रही माशनवाद पोषम पोषम दिवे यशम कि हे मनुष्य अग्नि की माति धन को कमाओ अग्नि को सबसे पवित्र बताया गया है पवित्र धन को कमाओ रमनताम पुण्याम लक्ष्मी पापिस्तानी पुण्य लक्ष्मी का तुम रमन करो इस तरह वेद के अंदर सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा हुआ है तो मैं आदरणीय ओझा साहब के प्रति जिन्होंने हमारी वेद की रक्षा की वेदों में इतिहास के बारे में बताया एकता में अनेकता का जो बताया मैं उनका बहुत बहुत उनके प्रति नतमस्तिष्क होती हूँ आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो मुझे बोलने का समय दिया क्योंकि वेदों के बारे में मेरी बहुत रुचि थी इसलिए मैं दो शब्द बोले सहयोग इनका है हमारा सुरेंद्र जी शर्मा बहुत धन्यवाद पुष्पलता जी को मितं च सारं च वचो ही माग्मिता का उदाहरण आपने यहाँ प्रस्तुत किया बहुत संक्षेप में बहुत गहरी बातें बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ बता दी अखिल भारतीय खगोल ज्योतिष शोध संस्थान के अजय शर्मा जी पधार चुके हैं कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें अजय जी शर्मा अखिल भारतीय खगोल ज्योतिष शोध संस्थान नेहरू कॉलेज टोंक रोड जयपुर पे चेतन